नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। रांची सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मांडर विधायक सह कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुना दिया। बंधु तिर्की के आय से अधिक मामले में आया फैसला। कोर्ट ने बंधु तिर्की को 3 साल की सजा के साथ 3 लाख का लगाया जुर्माना। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में आया फैसला। बंधु तिर्की पर आय से 6,28,698 रुपए अधिक अर्जित करने का है आरोप। सीबीआई ने रांची के बनौरा आवास से 12 दिसंबर 2018 को किया था गिरफ्तार। 24 फरवरी 2022 से लगातार की जा रही थी बहस। 40 दिन जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को हुई थी प्राथमिकी। 16 जनवरी 2019 को किया गया था आरोप गठित। सीबीआई की ओर से 21 लोगों ने दर्ज करवाई थी गवाही। बचाव पक्ष की ओर से 5 गवाहों की दर्ज करवाई गई थी गवाही। सीबीआई के एसपी पीके पानीग्रही और रांची के तत्कालीन डीसी राजीव अरुण एक्का ने भी दर्ज करवाई थी गवाही। बोल दिए भाई कि केस के मामला में न्यायालय ने उनको दोषी पाया। दोषी पाने के बाद उनको 13(2) में रिट सेक्शन 13(1)(e) में उनको 3 साल का दोषी सजा किया गया है और 3 लाख रुपये फाइन किया गया है, जिसके अगेंस्ट में अपील जाएंगे। उसके बाद में बंधु तिर्की ने आवेदन दिया कि हमको बेल में दिया जाए, बेल हजमे नहीं लाऊं। सर, क्या हाईकोर्ट की तरफ? हाँ, हाईकोर्ट में होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।